ओम शांति नमस्कार सुखी संसार हर व्यक्ति चाहता है हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखी हो सुखी जीवन हर व्यक्ति का अधिकार है किंतु यदि हमारा सुख किसी और के दुख का कारण बनता है तो वह सच्चा सुख नहीं कहलाता आज की कविता में हमारे लिए कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हमें जवाब ढूंढना है यदि हम अपने सुख के लिए दूसरों के दुख का कारण नहीं बनते हैं बल्कि औरों के सुख के आधार पर अपना जीवन सुखी बनाते हैं तभी हमारा जीवन सच्चा सुखी जीवन बन सकता है तो आइए इस कविता को सुनते हैं बिता रहे हो जिंदगी किस काम के लिए बिता रहे हो जिंदगी किस काम के लिए क्या जी रहे हो तुम केवल नाम के लिए क्या जी रहे हो तुम केवल नाम के लिए सबको सुख देने वाले कौन से काम किए सबको सुख देने वाले कौन से काम किए क्या सबके प्रति अपने फर्ज अदा किए क्या सबके प्रति अपने फर्ज अदा किए दुनिया में तुम आए किस काम के लिए दुनिया में तुम आए किस काम के लिए क्या सिर्फ खुद के सुख भोगने के लिए क्या सिर्फ खुद के सुख भोगने के लिए अगर खुद के सुख का ही ध्यान करोगे अगर खुद के सुख का ही ध्यान करोगे जरूर किसी न किसी को दुखी करोगे जरूर किसी न किसी को दुखी करोगे ऐसा सुख पाकर तुम कैसे सुखी रहोगे ऐसा सुख पाकर तुम कैसे सुखी रहोगे अंत में दुख भोग भोग कर ही तुम मरोगे अंत में दुख भोग भोग कर ही तुम मरोगे भाइयों यदि हम किसी को दुखी करके सुख का अनुभव करते हैं तो वही औरों का दुख हमारे लिए ही दुख का कारण बनता है अशांति का कारण बनता है तनाव का कारण बनता है यही बात इन पंक्तियों में बताई गई है ऐसा सुख पाकर तुम कैसे सुखी रहोगे ऐसा सुख पाकर तुम कैसे सुखी रहोगे अंत में दुख भोग भोग कर ही तुम मरोगे हर पल करो औरों के सुख का विचार हर पल करो औरों के सुख का विचार स्वतः सुखी बन जाएगा ये सारा संसार स्वतः सुखी बन जाएगा ये सारा संसार ओम शांति नमस्कार